दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम आए हैं अपने भुट्टे की खेत में, क्योंकि रात में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ था और इसी की वजह से हमारे भुट्टे गिर गए हैं और कई कई भुट्टे ख़राब भी हो गए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम भुट्टे तोड़ के घर ले जाएंगे, तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि मैं हम लोगों ने खेत में क्या क्या चीज़ें बोए हुए हैं। आप वो आप काट लिए हैं, मर मर जाएंगे, मिल जाएगी बीज में। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने बकरी के लिए घास बोया है और इसको चरी बोलते हैं। इतना नहीं बोया था हम लोगों ने, वहाँ पर भी बोया था। और इसको काट दो तो ये दोबारा उगता है, और अभी तक हम लोगों ने इतना ही काटा है और अभी भी हम लोग यहीं से ले जा रहे हैं बकरी के लिए घास। तो हमने घर के पास में भिंडी बोए है और खेत में भी बो दिए हैं, क्योंकि हम अपने लिए भी बो देते हैं और पड़ोसियों के लिए भी बो देते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे लकड़ी चारों तरफ लगा दिया है, क्योंकि कोई बकरी ना आ पाए, वरना अगर बकरियाँ आ गईं तो पूरी चरी खा जाएंगी हमारी। तो चलिए हम चलते हैं घर को। और हाँ, मैं एक चीज़ भूल ही गया था, अभी मुझको भुट्टे तोड़ना है, तो चलिए हम पहले भुट्टे तोड़ लेते हैं। और कौन से भुट्टे पक्के हैं, ये भुट्टा मुझे पक्का लग रहा है। आप कन्फ्यूज़ हो रहेंगे कि आप मुझे कैसे पता कि ये भुट्टे पके हुए हैं, इसमें दाने आ गए हैं। गाइस, इसके ये जो आप बाल देख रहे हैं ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं, तो आप समझ जाइएगा ये पके हुए हैं और इसमें दाने आ गए हैं। और जो नहीं पके होते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो नहीं पके हुए होते हैं उनके ये जो बाल टाइप का आपको दिख रहा है, ये मुझे बाल ही लग रहा है, ये वाइट कलर के होते हैं, जैसे कि ये देखिए। तो इसमें दाने नहीं आए हैं और ये भी कच्चा है। तो चलिए हम तोड़ लेते हैं भुट्टे। सबसे पहले तो हम आग जलाएंगे भुट्टे भुजने के लिए। भुट्टे को छील लेते हैं। एक पत्ता और हम भुट्टे के करीब हैं। हमारे पास तीन भुट्टे हैं और ये जो आप लकड़ी देख रहे हैं ये इसमें घोमने के लिए है, ये नोकीला हमने बना लिया इसको। ये तीन भुट्टे कर लिए हैं और अब हम इसको भूनेंगे।
तो चलो भूनने के लिए तैयार हो जाओ। तो अभी हमारा भुट्टा 2-3 मिनट में हो जाएगा और अभी मुझको तो ठंडी वाली फीलिंग आ रही है। हम लोग ऐसे ही ठंडी में कोहरा तापते थे और बारिश भी लगातार 3 दिनों से हो रही है और ठंड मौसम भी है, उतना नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत हो रहा है, ठंडा मौसम रहता है। तो हमारा भुट्टा अब पूरी तरीके से तैयार है। तो पूरी तरीके से भुट्टा अब तैयार है और एक ये है, इसकी डंडी टूट गई थी, जो ये है वो टूट गया था। तो उससे क्या करना है, हमें तो सिर्फ खाना है। तो दोस्तों आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मेरे भुट्टे देखकर आपके मुंह में पानी भी आ रहा होगा। तो मैं आपको भुट्टे दे नहीं सकता हूँ, सिर्फ दिखा ही सकता हूँ, आप देख के ही पेट भर लीजिएगा। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए एंड खुदा हाफिज़।